गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं इस समय क्लास ट्वेल्थ, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हैं इस समय क्लास ट्वेल्थ और चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर 8 है। पार्ट 7 तक आपने एथेनॉल मेथेनॉल तक ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। आज आपको जो आगे का पढ़ना है वो अगला टॉपिक होगा जिसका नाम है फिनॉल, ठीक है ना। जिसका नाम है फिनॉल, यानी आज आपके टॉपिक का जो टॉपिक है वो आपका है फिनॉल, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। क्या पढ़ना है भैया? तो आज आप टॉपिक में फिनॉल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं फिनॉल, PHENOLS, फिनॉल्स, ठीक है ना। क्या होते हैं फिनॉल्स? सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि फिनॉल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं फिनॉल्स। तो पहले तो जनरल इसकी डेफिनेशन बताते हैं, फिर उसके बाद फिनॉल बनाने की विधियां होंगी कि वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या लिख सकते हैं, वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, ठीक है ना। यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए और उसका हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप से प्रतिस्थापन हो, तो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जिनमें एक या एक से अधिक, जिनमें एक या एक से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, OH समूह एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग से जुड़े रहते हैं, फिनॉल कहलाते हैं, फिनॉल कहलाते हैं, ठीक है। क्या हुई डेफिनेशन? कि वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं कि वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जिनमें एक या एक से अधिक OH समूह एरोमेटिक रिंग से जुड़े रहते हैं फिनॉल कहलाते हैं। अब एरोमेटिक रिंग से जुड़ने का क्रम क्या होता है OH, ये हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल में हम चलते हैं, क्या लेते हैं एग्जाम्पल, देखिएगा ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, इसके बीच में हम एक रिंग बनाते हैं अथवा सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं। अगर ये कंडीशन है, ठीक है ना, ये कंडीशन है, तो इसे हम फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? फिनॉल कहेंगे। लेकिन एक OH समूह ऐसे भी जुड़ सकता है, रिंग हो गई CH2OH। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि भैया OH समूह इसमें था, OH समूह इसमें है, है ना। लेकिन ये फिनॉल नहीं है और ये फिनॉल है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया इसमें OH समूह जो है वो कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है, कार्बन श्रृंखला बना रहा है, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप होगा। क्या होगा? एल्कोहलिक ग्रुप होगा, फिनॉल नहीं होगा। फिनॉल के लिए क्या चाहिए हमें? ऐसी रिंग चाहिए, ठीक है ना। यानी सीधे डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ेगा तो वो कहलाएगा फिनॉल, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है, सही, ये फिनॉल नहीं था। अब ऐसा हो सकता है कि ऊपर CH3 जुड़ गया और यहाँ पर OH जुड़ गया, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसको कहेंगे, इसका नाम होता है अल्फा क्रिशॉल। लेकिन है ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ, तो इसको भी हम फिनॉल की श्रेणी में ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल से मैं आपको जो लिखा रहा हूं,
OH, अभी आपने पढ़ा ना एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक है ना, एक या एक से अधिक OH समूह होते हैं, एरोमेटिक रिंग से जुड़े रहते हैं, तो वो कहलाते हैं फिनोल। ठीक, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैटीचॉल, ठीक है, कैटीचॉल। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, दो अभी इसमें दो जुड़े थे, तीन समूह जुड़ जाएं, OH, 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 ऐसा, अब तीन OH समूह जुड़ जाते हैं, है ना, तो इसका नाम है पैरागैलोन, पैरागैलोन। लेकिन भैया है कैसे, है सब एरोमेटिक रिंग से ही जुड़े हुए, है ना, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। क्या कहेंगे भैया, फिनॉल कहेंगे, क्लियर है। चलिए इसको अब हम साफ करते हैं और अगले टॉपिक से चलते हैं। ये तो था फिनॉल का जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, अब हम चलते हैं कहां पर, फिनॉल के बनाने की सामान्य विधियों पर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम कि बनाने की सामान्य विधियां, यानी फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां, जिसमें कि नंबर वन पर हम लिख सकते हैं सल्फोनिक अम्ल से, पहली विधि है हमारी सल्फोनिक अम्ल से, ठीक है ना, किससे, सल्फोनिक अम्ल से हमें बनाना है, किसे बनाना है, फिनॉल को बनाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की सोडियम लवण, जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की, यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होना चाहिए, ठीक है ना, सोडियम लवण को NaOH के साथ मिलाते हैं, सोडियम लवण को NaOH के साथ मिलाते हैं, ठीक है, किसके साथ भैया मिलाते हैं, NaOH के साथ मिलाते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है ना, जो अम्ल से क्रिया कर, जो अम्ल से क्रियाकर फिनॉल बनाता है, ठीक है भैया। देखिए क्या कह रहा है, जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के, जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को NaOH के साथ मिलाते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है ना, जो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जो अम्ल के साथ, अम्ल में HCl, HNO3, H2SO4 कोई भी एक अम्ल ले सकते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रत होकर या अभिक्रिया करके फिनॉल देता है। आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं, क्या होगी इसकी रिएक्शन, बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है SO3H, क्या जुड़ता है, यानी रिंग से SO3H जुड़ा है, तो हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, लेकिन उसने कहा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, यानी कि Na, ठीक है ना, सोडियम लवण को किसके साथ, उसने कहा NaOH, ठीक है भैया, NaOH के साथ अभिकृत कराते, के साथ अभिकृत कराते हैं, तो भैया जी बनेगा क्या,
सोडियम फिनोक्साइड यानी ओएनए, ये है हमारा सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है सोडियम फिनोक्साइड बनता है, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। अब निकलेगा क्या है यहां से, Na2SO4 ये निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या चिन्ह लगाएंगे, यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस Na2SO4 निकल जाता है। ये जो प्राप्त हुआ है सोडियम फिनोक्साइड वो अम्ल के साथ यानी HCl वगैरह के साथ अभिक्रिया करके फिनॉल देता है, OH प्लस NaCl यहां लिख दो, या फिर यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस NaCl निकल जाता है और हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। आया समझ में, क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है, क्लियर है। अब इसको हम साफ करते हैं और चलेंगे विधि नंबर दो। विधि नंबर दो है, नंबर दो है डाई एजोनियम लवण से, डाई एजोनियम लवण से, ठीक है ना, किससे भैया, डाई एजोनियम लवण से हमें फिनॉल बनाना है, ये विधि नंबर हमारी दो। तो क्या लिख सकते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम लवण का जल अपघटन कराने पर बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम लवण का जल अपघटन, बेंजीन डाई एजोनियम लवण का जल अपघटन कराने पर जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण का अगर हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तो देखिए क्या होगा कि बेंजीन रिंग लिया, N2+Cl-, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं यानी कि H2O ले लेते हैं, ठीक है, एरोमार्क यहां पर रखते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और बन जाता है हमारा फिनॉल यानी OH प्लस N2 प्लस HCl, ये हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, क्या प्राप्त हो गया भैया, फिनॉल प्राप्त हो जाता है, क्लियर हुआ। नंबर तीन पर है हमारी विधि, नंबर तीन है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से, ठीक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं, लिख सकते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का ऑक्सीकरण, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का ऑक्सीकरण एवं जल अपघटन, एवं जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का ऑक्सीकरण पहले करवाइए, उसके बाद में जल अपघटन करवा देते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, क्या प्राप्त हो जाता है भैया, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे मिलेगा फिनॉल हमारा, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई OH, सॉरी ओ एम जी बी आर, ये हमारा क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। कैसे, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है आर एम जी बी आर या आर एम जी एक्स होता है, ठीक है ना, आर यहां पर एल्के समूह होता है जो कि ये फेनिल समूह का काम कर रहा है, एम जी हमारा धातु है और बी आर यानी एक्स फॉर हैलोजन होता है,
क्या होता है भैया, हैलोजन होता है, जो कि हैलोजन सारे हमारे एक साथ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका करवाना है हमें ऑक्सीडेशन। क्या करवाना है भैया? ऑक्सीडेशन करवाना है, अर्थात ऑक्सीकरण हम करवाएंगे। तो हमें ये प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो जाएगा भाई? ठीक है, ओ एम जी बी आर, ठीक है ना, ऑक्सीकरण हो गया। आपने देखा गिरनाड गर्मक का पहले ऑक्सीकरण करवाते हैं, यानी ओ एम जी बी आर हो जाता है। अब इसके बाद में हम इसका क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जल अपघटन, यानी कि H2O और H प्लस, ठीक है, H2 और H प्लस, ओके। इसका अगर हम जल अपघटन करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? यानी कि OH हमें प्राप्त हो जाए, एक हाइड्रोजन यहां से निकल के OH बना देगा, प्लस MgOH और Br, ये हमारा फिनॉल प्राप्त, ठीक है ना। तो ये थी हमारी विधि नंबर 3। अब आपने फिनॉल बनाने की सामान्य विधियों में से 3 विधियां पढ़ ली, ठीक है, इतनी विधियों से हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। अब नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 पर है हैलोएरीन द्वारा, विधि नंबर 4 है हेलो एरीन द्वारा, ठीक है ना। हेलो एरीन से हम कैसे फिनॉल को बना सकते हैं उसके बारे में देखते हैं कि क्लोरोबेनीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, क्लोरो बेंजीन को क्लोरोबेनीन C6H5Cl होता है, को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, ठीक है ना, के जलीय विलयन के साथ उच्च ताप व दाब पर ठीक है ना, गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ताप व दाब पर गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। एक बार फिर से सुन ले, क्लोरोबेनीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी और आप बड़ी आसानी से फिनॉल से या अन्य किसी कंपाउंड को बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, हमारी बेंजीन रिंग होती है Cl, ये क्लोरोबेंजीन हो गया हमारा, क्या नाम इसका, क्लोरोबेंजीन, ओके। क्लोरोबेंजीन को किसके साथ गर्म करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप और यानी कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उच्च ताप और दाब, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, क्या मिलेगा भैया? सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, यानी कि ONA, ठीक है ना, क्या मिलता है भैया? ONA। अब इसका अम्ल के साथ हम क्रिया करवा देते हैं, अब इसकी क्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं, यानी कि OH प्लस NaCl, ठीक है ना, OH प्लस NaCl। ये तो आप पढ़ रहे थे फिनॉल का जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, क्या पढ़ रहे थे? फिनॉल का जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य फिनॉल क्या है और फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां क्या है, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रॉपर फिनॉल एक कंपाउंड, तो ये साफ करते हैं और ये हमारा फिनॉल्स हो गया। इसका अणु सूत्र C6H5OH, अणु भार कितना हो जाएगा इसका? 94 होता है। संरचना सूत्र की बात करें तो
यानी अगर आपको फिनॉल बनाने के लिए आता है, कह देता कि फिनॉल बनाने की विधि बताओ, तो आप इसी पे से करेंगे, ठीक है ना। पहले वाला नहीं, वो तो सामान्य विधियां हैं, और संरचना सूत्र आपका ये हो जाएगा, रिंग में OS समूह लग जाता है तो हमारा फिनॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ओके, अब हम यहां पर डालते हैं बनाने की विधियां, बनाने की विधियां यानी फिनॉल को हम कितनी विधियों से बना सकते हैं, कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो नंबर एक पर हमारी हेडिंग होगी प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम फिनॉल को सबसे पहले कैसे बनाते हैं, ये किस प्रकार बनाया जा सकता है, तो देखिए क्या है। जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ओके, जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को ऑक्सीजन को O2 अणु यानी ऑक्सीजन अणु के साथ, जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को O2 अणु के साथ ईथर व तन व सीएल की उपस्थिति में, ईथर व तन HCl की उपस्थिति में, ईथर व तन HCl की, जब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को O2 अणु यानी ऑक्सीजन अणु के साथ ईथर व तन HCl की उपस्थिति में, ठीक है ना, तन HCl की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं, तो उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है, तो फिनॉल प्राप्त होता है, यानी इसके साथ अगर हम अभिकृत कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे अभिकृत कराते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, MgBr, ये हमारा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक हो गया, इसको O2 अणु के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, यानी कि OMgBr, ठीक है ना, OMgBr। अब इसका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवा देते हैं, यानी कि HOH H2O के लिए और अम्ल के लिए HCl, तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें फिनॉल मिलता है, यानी OH प्लस MgOH और Br अलग हो जाता है, ठीक है ना। MgOH और Br प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी विधि नंबर दो है, विधि नंबर दो है एनिलीन से, एनिलीन से, एनिलीन से हम कैसे बनाते हैं, तो लिख सकते हैं क्या कि एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl, एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड यानी NaNO2 तथा HCl से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड तथा HCl से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर, जिसका जल अपघटन कराने पर फिनॉल
प्राप्त होता है। एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड तथा HCl से कराने पर पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में उसका हम जल अपघटन करवाते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है भैया? फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि देखिए इसकी रिएक्शन लिखना है, लेकिन भैया हमारे पास बोर्ड नीचे नहीं बचा तो हम इसको ऊपर वाला सिस्टम साफ करते हैं और चलते हैं नीचे के लिए। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जो है हम ऊपर आपको लिखे देते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? फिनॉल। कौन सा टॉपिक चल रहा है भैया? फिनॉल चल रहा है। अब आपने लिखा है, डेफिनेशन क्या है हमारी, कि एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड तथा HCl से, एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। ठीक है ना, क्या होता है C6H5NH2, सोडियम नाइट्राइड NaNO2/HCl। ठीक है, NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड और HCl से कराने पर C6H5N2+Cl- यानी कि क्या मिल गया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है। इसका करवाना है जल अपघटन। क्या करवाना है भैया? जल अपघटन करवाते हैं तो मिलेगा क्या? C6H5OH+N2+HCl। ठीक है ना, ये हमारा बन गया फिनॉल। क्या बन गया भैया? फिनॉल बन गया। क्लियर है? अब इससे अगर आपसे पूछ ले कि तो हमने आपको फिनॉल बनाने की दो विधियां बताई प्रॉपर कंपाउंड पे, और इससे पहले सामान्य विधियों में हम आपको चार विधियां ऑलरेडी लिखा चुके हैं, है ना। तो आपको अगर ज्यादा विधियों से बनाना हो तो आप सामान्य विधियों को उठा लेंगे और वहां से बनाते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये नीचे का काम हम साफ करते हैं, इसकी रिएक्शन ऊपर हो चुकी है, और अब हम चलेंगे प्रॉपर इसके आगे भौतिक गुण पर। भौतिक गुण, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चलते हैं। इसमें भौतिक गुणों में नंबर एक पर हम क्या लिखेंगे कि यह रंगहीन गंधहीन पदार्थ है, यह रंगहीन कॉमा गंधहीन पदार्थ है, मतलब ना इसमें कोई कलर है ना कोई इसमें स्मेल है, तो रंगहीन गंधहीन पदार्थ हुआ ना। तो नंबर एक ये रंगहीन गंधहीन पदार्थ है। नंबर दो है इसका, वायु में रखने पर, अब वायु में रखने का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसके डिब्बे को खुला छोड़ देते हैं तो वायु में रखने पर यह ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर गुलाबी हो जाता है, यानी वायु में अगर खुला रख दिया जाए तो यह ऑक्सीकृत हो जाएगा और इसका कलर क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। नंबर तीन है, जल में अविलेय, जल में अविलेय परंतु अल्कोहल वा ईथर में विलेय। ठीक है ना, जल में अविलेय होता है, जल में नहीं घुलता, लेकिन अल्कोहल और ईथर में डिजॉल्व है, आराम से घुल जाता है। तो ये थे इसके भौतिक प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। अब हम चलते हैं रासायनिक गुण पर। ठीक है ना, रासायनिक गुण इसमें नंबर एक पर है। रासायनिक गुण में सोडियम धातु से क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया करवाते हैं। ठीक है, किससे क्रिया हो रही है? सोडियम धातु से क्रिया करवाते हैं फिनॉल की। अब आपको पता है कि फिनॉल का सूत्र क्या है, 2C6H5OH प्लस सोडियम धातु के लिए ले लेते हैं 2Na। ठीक है ना, सोडियम धातु तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा भैया? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, यानी 2C6H5O Na प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। पहले पढ़िए,
आ गया होगा समझ में, 2C6H5OH plus 2Na रोमार्क, 2C6H5ONa plus H2, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, समझ में आपको अच्छी तरीके से आ रहा होगा और आप घर बैठे अपने आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से पहुंच सके, ठीक है ना, और आप घर बैठे अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो प्ले वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर जाएं और हमारे वीडियो चैप्टर वाइज आप क्लास 12th की बड़ी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। सेकंड पॉइंट है हमारा क्या कि PCl5 से क्रिया, ठीक है, PCl5 से अगर हम क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है PCl5 पेयर, कि C6H5OH plus PCl5, ठीक है ना, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, क्या बनता है C6H5Cl, ये हमारा बना क्लोरोबेंजीन, क्या बना क्लोरोबेंजीन बनता है प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन बनेगा और आपका बनेगा क्या POCl3, ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है भाई, क्या नाम है क्लोरोबेंजीन, और ये फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और HCl का नाम तो आप जानते हैं बहुत पहले से कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्लियर हो। अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं अपने नंबर 3। नंबर 3rd पर चलते हैं। नंबर 3rd है हमारा एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है एसिटिल क्लोराइड में, कि एस्टर बनेगा, क्या बनेगा भैया एस्टर बनेगा, देखिए सी इसको ऐसा करते हैं CH3COCl, ये हमारा है एसिटिल क्लोराइड, क्या है भैया एसिटिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया फिनॉल को थोड़ी देर के लिए हम उल्टा लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम है, उल्टा लिख दिया हमने, यानी HO C6H5OH को हमने लिख दिया HOC6H5, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें कुछ दिखाना था, क्या निकल गया जो बॉक्स में है वो निकल जाएगा और जो बचा वो क्या बचा CH3CO, ये बचा था प्लस OC6H5, ठीक है ना C6H5, अब इसका नाम है फेनिल एसीटेट, क्या नाम है फेनिल एसीटेट प्लस आपका HCl बाहर हो रहा है, ये जो बॉक्स में था, ठीक है ना। नंबर 3 हो गया है, नंबर 4 पर हम चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा C6H5OH प्लस, अब आपको पता है, क्या पता है कि अमोनिया का सूत्र NH3 होता है ना, हम इसको उल्टा लिख देते हैं HNH2 लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, आपके समझने में बेहतर होगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अमोनिया का सूत्र NH3, एक हाइड्रोजन को पृथक कर लिया और देखिए इतना भाग निकल जाए, ठीक है ना, इतना भाग निकलेगा, क्या बचा C6H5NH2 है ना, ये बचा था और ये बचा था, उसको हमने एक साथ लिख दिया, इसका नाम है एनिलीन बन गया प्लस H2O आपका बाहर हो जाता है, ठीक है ना, एनिलीन बना और H2O आपका बाहर हो जाता है, क्लियर हुआ। नंबर 5 पर है हैलोजनीकरण, क्या है भैया हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण चलते हैं फिनॉल में,
तो देखिए अगर हम फिनॉल की क्रिया, इसकी फिनॉल यानी कि OH की क्रिया 3Br2 यानी ब्रोमीन से करवा दें, ठीक है ना, किससे करवा दें, ब्रोमीन से, तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है OH Br और प्लस 3HBr, इसका नाम है ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है, ठीक है ना, आया समझ में। अगर हम फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं तो ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। क्या मिलेगा भैया, ट्राइब्रोमोफिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम साफ कर देते हैं और आगे चलते हैं अगले नंबर पर। नंबर 6 है हमारा नाइट्रीकरण। अगर हम फिनॉल का नाइट्रीकरण करवा देते हैं, क्या करवाते हैं भैया, नाइट्रीकरण करवाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, फिनॉल यहाँ पे OH प्लस 3HNO3। नाइट्रीकरण हमेशा कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होता है, नाइट्रीकरण हमेशा कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होता है। तो ये क्या बनेगा, OH NO2 है ना, इसका नाम है TNT, यस, पूरा नाम कहें तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, क्या नाम है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, अथवा इसका दूसरा नाम होता है पिक्रिक अम्ल होता है, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, क्या होता है, विस्फोटक यानी बम बनाने के काम में आता है। प्लस आपका बच जाएगा 3H2, ठीक है ना। अब हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, नंबर 6 पर है जिंक से क्रिया। ZN से क्रिया, जिंक से क्रिया करवाना है, तो अगर हम इसकी जिंक से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, C6H5OH प्लस ZN, ठीक है ना, बेंजीन बन जाएगा, अब चैन हो जाएगा, C6H6 प्लस ZN आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थे इसके प्रॉपर्टी, और अब हम चलेंगे, यानी ये आपका हो गया होगा कंप्लीट, अब हम चलते हैं इसके यूजेस में। यानी उपयोग नंबर 1 कहां कहां पर कर सकते हैं, साबुन कॉमा लोशन बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। नंबर 2 सेकंड पॉइंट पर विस्फोटक बनाने में, अभी बताया ना विस्फोटक क्या होता है, TNP एक विस्फोटक पदार्थ बना था, तो इसका दूसरा यूज कहां पर होता है, दूसरा यूज है इसका विस्फोटक यानी बम वगैरह बनाने में, किसमें, बम बनाने के काम आता है, विस्फोटक बनाने के काम आता है। नंबर 3 है औषधियों में, देखिए भाई बम अगर बनाता है तो मेडिसिन भी बनाता है, तो औषधियों में मेडिकल लाइन में मेडिकल चीजें भी बनाता है, ठीक है। नंबर 4 पर आते हैं, चौथा उपयोग इसका कहाँ हो सकता है, प्लास्टिक बनाने में, ठीक है। नंबर 5 पर इसका उपयोग कहाँ पर हो सकता है, विरंजक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, फिनॉल, और उसके यूजेस आज के वीडियो में इतना ही, आगे इसके टर्न आएगा जिस पर आगे। नमस्कार, जय हिंद।